What's up guys, welcome back to your Java GUI 13 tutorial and the part 3rd of dice roll random game. And I made a few changes in this program, actually not changes, so kuch mistake ki thi maine. First mistake I'm going to tell you is ke maine har if ke baad else nahi lagaya, kyunki else if lagana lazmi tha, so ye maine mistake ki thi. So iske baad maine sirf just yahan pe else put kiya. उसके बाद सेकंड मिस्टेक क्या की थी कि जैसे मैंने 5 बटन प्रेस किया, मुझे यहाँ पे 0 पे करना चाहिए, तो यहाँ मैंने इसको 1 किया था लास्ट टाइम, इसको मैंने 0 किया है. एंड नथिंग चेंजेस, लेट्स रन दिस प्रोग्राम वी आर एंड रोल मी 5 टाइम. सो जैसे मैंने 1 टाइम रोल किया, इट सेंस कंप्यूटर स्कोर 5, यूर स्कोर 2, रोल 5 1 टाइम्स. ओके, सेकेंड टाइम इसने कंप्यूटर को दिए और यूजर को लाइक प्लेयर को दिए, तो मैंने यहाँ पे प्लेयर की जगह यूर कर दिया. एंड थर्ड टाइम इसने रोल किया, कंप्यूटर स्कोर 17, यूर स्कोर 14 एंड रोल थर्ड फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम. जैसे फिफ्थ टाइम मैंने किया, इसने कहा हुर्रा यू वॉन द गेम. सो दिस इज नॉट अ वन साइडेड गेम, आप हार भी सकते हो, मैं जीते जा रहा हूँ मुसलसल. या अलास यू लॉस द गेम. सो जैसे ही कंप्यूटर की स्कोर ज़्यादा हो, मैं लॉस कर जाऊँगा गेम को. सो लेट्स स्टार्ट दी ओवरव्यू. सो आई इम्पोर्टेड सम फाइल्स. ओके, फाइल्स इम्पोर्ट की, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर, उसमें जे फ्रेम को एक्सटेंड किया. एक्सटेंड करने के साथ मैंने लेबल डिक्लेयर की एंड बटम एंड कुछ वेरिएबल्स रैंडम. ओके, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में सेट लेआउट किया, बटन ऐड किया, लेबल ऐड किए और इनको स्टार्ट मैंने एम्प्टी रखा इन दोनों को, क्योंकि इनमें मैंने वैल्यूज असाइन करनी थी. उसके बाद मैंने एक्शन क्लास और बटन को मैंने एक्शन लिसनर असाइन कर दिया उस क्लास को. उसके बाद मैंने उस क्लास को क्रिएट किया, उसमें मैंने वॉइड एक्शन परफॉर्म का मेथड. उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, इफ एक्स, एक्स को मैंने लिया है मेरा लूप काउंटर. लाइक जैसे मैं वन टाइम बटन प्रेस करूंगा तो एक्स जीरो होगा. ओके, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बटन प्रेस किया, एक्स जीरो था, मैंने इनिशियलाइज किया इसको. ओके, यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज किया. सो क्या हुआ, इनने दो नंबर था, एक रैंडम नंबर में इनपुट ले ली 1 से लेके 10 तक, ठीक है, और इसने एक नंबर ऑफ रोल में इनपुट ले ली. सो मैंने ये नंबर कंप्यूटर को साइन कर दिया, रैंडम नंबर. ओके, सो कैसे, मैंने स्टेटस लेबल में सेट कर दिया, हर दफ़ा रोल होगा, स्कोर कंप्यूटर स्कोर रैंडम नंबर एंड यूर स्कोर नंबर ऑफ रोल. सो दोनों को मैंने स्कोर असाइन कर दिया. और उसके बाद मैंने एक्स स्टार्ट में 0 था, इसमें प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि ये टाइम्स और टाइम्स के बाद 1 शो होगा, इसलिए मैंने एक्स में स्टार्ट में प्लस प्लस, नेक्स्ट टाइम इसमें 2 शो होगा, 3. सो जैसे जैसे बटन रोल होता जाएगा, इसमें 1 1 का इजाफा होता जाएगा, यानी इंक्रीमेंट. उसके बाद मैंने कहा अगर एक्स इज इक्वल टू 1 है, जो कि मैं, सो मैंने उसको एक्स को 1 पुट कर दिया ताकि मैं सेकंड टाइम बटन को रोल करना चाहता हूँ. सो मैंने कंडीशन चेक, एल्स इफ अगर 1 है एक्स, ओके, फिर क्या हो, प्रीवियस स्कोर रिकॉर्ड वैसे ही रहे, क्या हो कि दोबारा उसी के अंदर जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है, दोबारा से एक रैंडम इनपुट ले, उसको ऐड कर दे. ओके, ये मैंने ऐड यूज़ किया यहाँ पे. सो लास्ट ये भी मैंने मिस्टेक थी एक, कि मैंने प्लस ऐड नहीं किया था, उसको ओवरराइड कर रहा था. सो यहाँ मैंने प्लस ऐड किया, क्या किया कि इसमें लास्ट जो हमारा जो इनपुट थी रैंडम, उसमें ऐड कर दे न्यू इनपुट लेके 1 से 10 तक, जो भी नंबर लेगा दोनों को असाइन कर देगा और उसमें प्रीवियस में ऐड करता जाएगा. ओके, और उसके बाद यही सेम वो, और इस टाइम 2 टाइम रोल शो होगा. ओके, और इस टाइम मैंने क्या किया, एक्स में 2 साइन कर दिया. उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई अगर 2 टाइम रोल हो चुका है हमारा बटन, ठीक है, अगर बटन 2 टाइम रोल हो चुका है तो क्या हो, थर्ड टाइम के लिए यहाँ पर हम क्या करें, एक्स 2, और इसी तरह हमने प्रीवियस रिकॉर्ड में जो सेव था उसमें दोबारा सेव करवा के उसको शो करा दिया. और थर्ड टाइम के लिए इसी तरह हमने फोर्थ टाइम के लिए किया, और जैसे ही हमारा 5 टाइम बटन रोल हुआ, ओके, ये 5 टाइम था, यानी 0 से 4 5 टाइम. तो जैसे ही हमारा 5 टाइम रोल हुआ तो क्या हुआ, हमने दोबारा इनपुट ली, सेव कराया, सेट लेबल में सेट कर दिया. अब क्या करना है, 5 टाइम हमारी इनपुट हो चुकी है, अब हमने कंपेयर किया हमारे रिजल्ट को दोनों वेरिएबल्स के, कंप्यूटर स्कोर एंड प्लेयर स्कोर. सो जो अगर तो रैंडम कंप्यूटर स्कोर बढ़ा तो हमने लेबल में, रिजल्ट लेबल में सेट कर दिया यू लॉस द गेम, क्योंकि कंप्यूटर जीत गया, और एल्स में मैंने उसको यू वॉन द गेम. और उसके बाद मैंने एक्स को 5 पुट किया, ओके, क्योंकि 5 टाइम जा रहा था, इंक्रीमेंट करता गया एक दफ़ा. और उसके बाद जब मैंने कंडीशन लगाई, एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू 5, जो कि हो चुका है, यानी 6 टाइम प्रेस होगा, ओके, बटन अब जो होने जा रहा है 6 टाइम, तो मैंने क्या किया, 6 टाइम ना हो रिजल्ट में क्या हो, जैसे ही 6 टाइम बटन प्रेस हो, ठीक है ना, 0 से 5 6 टाइम, तो जैसे ही हम 6 टाइम बटन प्रेस करेंगे क्या करेगा, दोबारा से न्यू गेम कर देगा, लाइक हमारी जो रिजल्ट फील्ड थी उसको ब्लैंक कर देगा और एक्स में 0.
जैसे ही एक्स में जीरो पुट करेगा हमारा प्रोग्राम दोबारा यहाँ से चला जाएगा, और जैसे ही हम दोबारा तो दोबारा से गेम स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ओके, और एक्सेप्शन में मैंने लगाया कि अगर हम 6 टाइम बटन प्रेस करें तो ये शो हो जाए। ओके, क्योंकि गेम सिर्फ 5 टाइम्स के लिए बनी है। इस तरह विंडो क्रिएट की। होपफुली अंडरस्टैंड, होपफुली इफ यू डोंट जस्ट कमेंट राइट बिलो द वीडियो और आस्क मी ऑन माई फेसबुक पेज। जस्ट टाइप facebook.com/parkprogrammer एंड youtube.com/parkprogrammer एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग यू। And you guys mean everything to me. Just like and subscribe my channel and wait for more videos and we'll take care. See you in the next video and don't forget to subscribe my channel. Bam. Peace.